वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग नंबर सिस्टम के पहले चैप्टर यानी डिविजन्स के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और प्रश्न दिया हुआ है कि जो है 1240 के बाद की कुल संख्या जो है क्या होगी। तो सबसे पहले 1240 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 से ये कितने बार में, तो 620 बार में। फिर 2 से करेंगे कितने बार में, 310 बार में। फिर 2 से कितने बार में, तो 155 बार में। फिर अगर देखेंगे 3 से ये नहीं जाएगा, 5 से ले जाएंगे तो 31 बार में। तो ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2^3 × 5^5 × 31 इस फॉर्म में जो है 1240 टूटेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि भाजकों का कुल संख्या अगर पूछेगा तो सिंपल सा इनके जो है पावर को ले लेना है। तो 5^1 छिपा हुआ, 31^1 छिपा हुआ, तो सभी के पावर में एक एक जोड़ करके, यानी पावर में एक जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे, इसके भाजकों की संख्या आएगी, ठीक है। तो पावर, इसके पावर में एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ा जाएगा तो 4, फिर गुणे 5 में पावर एक छिपा हुआ है तो एक और जोड़ेंगे, फिर 31^1 जोड़ छिपा हुआ है तो इसके पावर में भी एक जोड़ेगा। तो ये देखेंगे तो 4 × 2 × 2 यानी टोटल आएगा भाजकों की संख्या 16। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग भाजकों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन में जो है समभाजक दे देगा, कभी जो है विषमभाजक दे देगा, उसके लिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है कि जो है 10,500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10,500 को छोड़कर कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग को भाजकों की कुल संख्या निकाल लेते हैं, 10,500 के भाजक टोटल कितने हैं, यानी भाजक का मतलब होता है कि कौन कौन से नंबर से कटेगा, ठीक है, डिविजर्स यानी फैक्टर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 2 से ये कितने बार में जाएगा, तो 2 से 5, फिर 52 50, फिर 2 से जाएगा 26 25, 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, 5 से ले जाएंगे इसको, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको जो है पावर के रूप में फैक्टर को लिखेंगे, तो 2^2 × 3 5^3 × 7। अगर कुल भाजक अगर निकालना हो तो सिंपल से हम जानते हैं कि जो है इनके पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। इसमें पावर एक बढ़ाएंगे, ठीक है, इसमें पावर एक बढ़ाएंगे, इसमें भी पावर एक बढ़ाएंगे, इसमें भी पावर एक बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 × हो जाएगा 4 × 2, 3 × 6 = 24 × 48, यानी 48 टोटल भाजक होगा। जबकि इसमें बोल रहा है कि 1 और 10,500 को छोड़ करके कुल कितनी जो है भाजक होगा, यानी 2 भाजक छोड़ देना है। तो 2 भाजक इसमें माइनस करेंगे तो टोटल भाजक छोड़ करके कितना होगा, 46। ऑप्शन नंबर में कौन सा है, तो सी। तो 75^8 दिया, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, यानी ठीक है, सबसे प्राइम फैक्टर के यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे इसको। तो 75 को जो है तोड़ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा 5^2, यानी जो है 75 इस पावर में टूट जाएगा। और इसको एक बार और तोड़ेंगे तो 3^8 और गुणे 5^16 हो जाएगा। कुल भाजक देखेंगे तो कुल भाजक अगर निकालना हो तो सिंपल सा इसके पावर में एक बढ़ा करके आपस में गुणा करेंगे, तो 8 में एक जब बढ़ाएंगे तो 9, 16 में एक बढ़ाएंगे तो 17 9 कितना होता है, 153, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में देखते हैं हम लोग, दिया हुआ कि 162^15 की कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा जो है 162 को पहले तोड़ेंगे, 162 को 2 से ले जाएंगे तो 81, यानी 2 × 3^4 और पावर कितना बनेगा, तो 15। इसको तोड़ा जाएगा तो 2^15 × 3^4 जो है कितना हो जाएगा, 60। अगर इसको जो है देखा जाए, हमको कुल भाजक निकालना है, तो कुल भाजक क्या करना है हमको, पावर को, ठीक है, डिविजन निकालना हो तो क्या करना होगा कि जो है प्रोडक्ट ऑफ पावर प्लस 1, यानी सभी का पावर लेकर के उसमें एक जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे। तो 15 है, इसमें पावर में एक जोड़ेंगे 16 और इसमें पावर एक जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। तो 16 में 61 का गुणा करेंगे तो 16 × 16 = 86, 16 × 6 ठीक है, 96 96 1 97 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जो है 35^5 × 21^6 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले जो इसको प्राइम फैक्टर यानी जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे,
तो 35 को लिख सकते हैं 7 गुणे 5, और टोटल पर पावर 5 है, फिर गुणे 21 पर पावर दिया हुआ है, तो इसको तोड़ सकते हैं 3 7 21, टोटल पर पावर 6 है। इसका मतलब इसमें 7 पर पावर 5 गुणे 5 पर पावर 5 गुणे 3 पर पावर 6 गुणे 7 पर पावर 6 बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, बढ़ते क्रम में सजा देते हैं, 3 पर पावर 6 है, 5 पर पावर 5 है, और 7 पर पावर यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, पावर जुड़ जाएगा क्योंकि गुणा में है, बेस सेम है, तो 7 पर पावर 11 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं आगे, कुल भाजक पूछा है तो कुल डिवीजन निकालना है हमको, सभी के पावर में एक जोड़ करके गुणा कर देते हैं, 6 यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 12 छः के 72, और 72 में जो है 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 17 49 से 50, यानी ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दिया होगा कि 544 के भाजकों की कुल संख्या क्या होगी जो 3 से बड़ी हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 544 के कुल भाजकों की संख्या का निकालेंगे, सबसे पहले इसको 2 से ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा 272, फिर 2 से कितने बार में 136, फिर 2 से कितने बार में 68, 2 से कितने बार में 34, फिर 2 से कितने बार में 17, यानी 2 पर पावर 5 गुणे 17। ठीक है, कुल अगर जो है भाजक निकाला जाएगा तो पावर में एक जोड़ करके गुणा कर देंगे, तो इसमें 6 हो जाएगा, यहाँ पर जो है पावर एक पहले से है तो एक और जोड़ देंगे तो 2, यानी कुल भाजक कितने हो जाएंगे 10। लेकिन बोल रहा है कि 3 से बड़ी होनी चाहिए, वैसे भाजक को जो है कुल संख्या निकालना है जो 3 से बड़ी है। तो सबसे पहले 3 से छोटी देख लेते हैं, 3 से छोटी एक, एक से एक कटेगा कि नहीं कटेगा, एकदम कटेगा, क्योंकि जो है सभी संख्याएं क्या होती है एक से कटती है। फिर उसके बाद जो है 3 से छोटी कौन सा है तो 2, तो 2 से भी कटेगा, और 3 से देख ले रहे हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए नियम है कि सभी अंकों को जोड़ देते हैं, अगर वो 3 का भाजक हो तो कटेगा, सिंपल सा देख लेते हैं, गुणा जो तो कटेगा, 5 4 9 13, ये 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि जो है 3 से छोटी दो ही संख्या उसे केवल कटेगा, और 3 से बड़ी निकालना है तो कुल भाजक चूंकि 12 है तो 2 को संख्या और कटा देंगे। ठीक है, तो वैसी संख्या जो 3 से जो है वैसे भाजक निकालना है जो 3 से बड़ी है, तो 544 के टोटल 10 बनेंगे जो 3 से बड़ी, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया हुआ कि जो है 1280 के जो है सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या जो है कितनी होगी, यानी सबसे पहले इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सिंपल सा इसको लिख सकते हैं 128 गुणे 10 पर, ठीक है 10 लिख सकते हैं, 128 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 7, ठीक, और गुणे 10 को 2 गुणे 2 पर पावर 2 गुणे 5। अब हो सकता है ये 2 यहाँ पर 7 बार है, यहाँ पर एक पावर छिपा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता कि कुल जो है भाजक कितना हो, ठीक है कुल भाजक निकालने के लिए पावर में एक जोड़ करके गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 8 है तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर पावर एक छिपा हुआ है तो पावर कितना हो जाएगा 2, एक बढ़ा करके गुणा करेंगे तो 18, यानी कुल अगर भाजक पूछेगा तो 18 हो जाएगा। लेकिन हमको पूछा है सम भाजक यानी इवन डिवीजर पूछा हुआ है, तो सम भाजक के लिए क्या करेंगे, सम के पावर जीरो के त्यों ले लेंगे, यानी इवन का पावर जो है जीरो का त्यों लेना है, ठीक है जीरो का त्यों लेना है, और बाकी जो पावर रहेगा, ठीक है बाकी पावर में जो है एक जोड़ करके गुणा कर लेंगे, बाकी पावर में एक जोड़ करके क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं सम का पावर कितना है, तो 8 गुणे, और बाकी जो जितने भी ऑल डिविजर होंगे यानी विषम भाजक होंगे एक उनके जो है मतलब कि पावर में एक जोड़ करके आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर केवल 5 ही, केवल एक ही को विषम अभाज्य गुणनखंड मिला हुआ है, तो 5 का पावर 1 है तो यहाँ पर 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे 8 और ये हो जाएगा 2, 8 दुना कितना हो जाएगा 16, सम भाजक कितने हो जाएंगे 16, ठीक है और विषम भाजक अगर पूछा जाए तो सम का पावर एकदम नहीं लेना है, सम भाजक में केवल सम का पावर जीरो का त्यों ले लेना है और बाकी पावर के एक जोड़ करके गुणा कर लेना है सम भाजक के लिए, जबकि विषम भाजक के लिए क्या करना है कि जो है ठीक सम का पावर नहीं लेना है, विषम के लिए सम का पावर नहीं लेना है, ठीक है केवल विषम का पावर में एक जोड़ करके गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर केवल 5 का पावर एक ही को है, इसमें एक जोड़ करके आपस में गुणा करेंगे तो केवल एक ही को है, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो सम भाजक 16 है और विषम भाजक 2 है, यही प्रश्न में पूछा हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न दिया हुआ कि जो है 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या जो है कितनी होगी, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि 860 के जो है
प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ लेंगे, तो दो से ले जाएंगे कितने बार में, ठीक है 430, फिर दो से ले जाएंगे 215, फिर कितने बार में, तो ये ठीक है, ये जो है तीन से नहीं जाएगा, पाँच से जाएगा, पंचों के 20, पंच के 15, यानी ये हो जाएगा 2 पावर 2 गुड़े 5 गुड़े 43, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर ये टूट गया, फिर उसके बाद क्या करना है कि सम भाजक पूछ रहा है और विषम भाजक का पूछ रहा है कुल संख्या कितना होगा, तो सम के लिए क्या करते हैं हम लोग, केवल सम का पावर लेंगे, फिर उसके बाद विषम का भी पावर एक जोड़ करके लेंगे, 5 पावर 1 छिपा हुआ, 43 पर भी पावर 1 छिपा हुआ, इनके पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कर लेंगे, यानी 2 हो जाएगा, ये पावर एक बढ़ेगा तो यहाँ पर भी एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या करना है कि जो है सम भाजक बोल रहा है, इसीलिए केवल सम का पावर 0 का तय लेना है, इसमें नहीं जोड़ना है, जबकि जो है विषम पावर में भी एक जोड़ करके गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा सम भाजक 8। विषम भाजक पूछ रहा है, विषम भाजक भी पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है कि सम का पावर नहीं लेना है, बाकी विषम वाले जो पावर हैं उनमें एक एक बढ़ा करके आपस में पूरा कर लेंगे, 2 × 4 समभाजक कितने 8 और विषमभाजक 4। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, इसमें दिया हुआ है कि जो है 45 पर पावर की समभाजक एवं विषमभाजक क्या होगा। तो सबसे पहले जो है इसको एकदम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में अभाजक गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 45 को लिख सकते हैं, ठीक है 3 पावर 2 गुणे 5 टोटल पे पावर 6 अगर है तो ये भी दिया जाए, अगर देखेंगे तो 3 पावर 2 और ऊपर पावर 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3 पावर 12, क्योंकि पावर में पावर होता है तो क्या होता है पावर में आपस में गुणा हो जाता है, और 5 पावर 1 छिपा हुआ है तो एक इसमें जो है पावर 6 बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि समभाजक पूछा है, तो समभाजक के लिए देख लेते हैं कि समभाजक एक भी नहीं है, तो समभाजक के लिए क्या हो जाएगा 0, और बाकी एक एक जोड़ करके अगर गुणा किया जाए इसमें कोई उचित ही नहीं है, क्योंकि समभाजक है ही नहीं इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा समभाजक 0 हो जाएगा। विषम भाजक अगर देखा जाए तो केवल विषम का पावर लेंगे और उसमें एक एक जोड़ करके गुणा कर देंगे, तो विषम संख्या के पावर कितना है 12, एक जोड़ेंगे 13, और 5 पावर 6 है तो इसमें भी एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, गुणा करेंगे तो 91। समभाजक 0 है, विषम भाजक कितना हो जाएगा 91। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो है इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है, तो देख लेते हैं सबसे पहले जो है इसमें देख लेते हैं कि भाजक इसका जो है सभी संख्याओं को प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं, तो 88 को तोड़ेंगे तो 8 × 11 बनेगा, यानी 2 पावर 3 × 11, और ये 91 का जो है तोड़ेंगे तो 13 × 7 या 7 × 13, 96 को करेंगे ये हो जाएगा 2 पावर 5 32 × 3, ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो 3 पावर 2 × 11, तो इसमें भाजक कितने हो जाएंगे, तो आप जानते हैं कि पावर में एक जोड़ करके गुणा कर लेते हैं, कुल भाजक निकालना हो तो इस पर 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यहाँ पर एक एक बढ़ेगा, ठीक है 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 × 6 = 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, पावर में एक एक बढ़ा करके गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर पावर 2 है तो एक बढ़ जाएगा 3, 3 × 6 हो जाएगा। देख लेते हैं सबसे पावर सबसे जो है न्यूनतम भाजक किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि 91 के पास ठीक है 4 भाजकों की संख्या सबसे कम है इस ऑप्शन में दिए गए, ठीक है इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं हम लोग प्रश्न दिया हो कि 1848 के जो है विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले जो है विषम भाजक निकाल लेते हैं कि जो है कितने हैं, तो सबसे पहले 1848 का क्या किया जाएगा अभाज्य गुणनखंडन के रूप में जो है इसको व्यक्त किया जाएगा, तो 2 से ले जाएंगे तो 2 × 9 = 24 हो जाएगा, ठीक है जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग 2 से 4 बार में, ठीक है 2 से 4 = 6, 2 फिर 2 से ले जाएंगे, ठीक है 231, 3 से जाएगा 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 7 से जाएगा 11 बार में, यानी इसको लिखा जा सकता है 1848 को 2 पावर 3 गुणे 7 गुणे 3 × 7 = 11, तो इसमें कुल भाजक केवल विषम भाजक देख लेते हैं, विषम भाजक कुल कितने होंगे, तो विषम भाजक का मतलब होता है कि सम भाजक के पावर को छोड़ देंगे, बाकी विषम जो है भाजक के पावर को एक एक जोड़ करके गुणा कर लेंगे, 3 पावर 1 छिपा हुआ, 7 पर भी 1 छिपा हुआ, 11 पर भी 1 छिपा हुआ, तो सब में पावर एक एक जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मतलब कि 2 × 4 × कितना हो जाएगा
आठ, यानी कुल भाजक कितने हो जाएंगे आठ। तो इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि विषम संयुक्त विभाजक बोल रहा है, संयुक्त का मतलब कि पेयर के रूप में अगर लिया जाए, ठीक है, टोटल विषम विभाजक कितने होंगे, यानी भाजक कितने होंगे डिविजर आठ को, पेयर में अगर लिया जाएगा तो दो से भाग करेंगे यानी चार, यानी चार के जोड़ा में बनेगा, यानी चार जोड़ा होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने किसमें है, ए में, ठीक है।